नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। ड्राइवर का डंडा मारकर तोड़ा हाथ। नहीं, राम सेवक हैं एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिन्होंने हम तक ये वीडियो बनाकर भेजा है बदलपुर उत्तर प्रदेश का, जहां की ये घटना है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को ट्रांसपोर्टर के द्वारा बनाई हुई पार्किंग में ड्राइवर से गाड़ी वहां पर लगाई गई एक रस्सी पर टच हो गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने ड्राइवर के हाथ पर डंडा मारा। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया, जिसके बाद ड्राइवर का हाथ टूट गया। इस घटना के बाद वहां पर हंगामा मच गया, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन इस गार्ड की हरकत वाकई में शर्मनाक है। इतनी छोटी सी बात पर हाथ पर डंडा मारकर हाथ ही तोड़ दिया गया। पलक झपकते ही पलटी गाड़ी। जी हां, लादरम्बाई मेघालय की यह घटना है। यहां पर रोड पर मोड़ पर आने पर एक गाड़ी पलट गई। गनीमत से वहां पर कोई और वाहन मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना का वीडियो बनाया गया एक ड्राइवर द्वारा, जिसमें कहा गया है कि इस तरह का ओवरलोड लेकर ना चलें या जरा सी भी लापरवाही ना करें, ये खुद के लिए और दूसरों के लिए घातक हो सकता है। नींद में है टोल कर्मी और नींद में ही है प्रशासन, क्या ऐसे चलेगा सब? 10 मिनट हो चुके हैं पूरे, टोल वालों का ये हाल है। ओ हैंड स्कैनर ले आओ यार, ये हाल है इनका, टोल कर्मियों का, क्या करे आदमी। ओ उठोगे या नहीं यार, करो इसका हल कोई। सीकर बीकानेर हाईवे पर पड़ते इस टोल का ड्राइवर ने वीडियो बनाया, जिसमें आपने देखा कि लगता है जैसे टोल कर्मी घोड़े बेचकर सो रहा है, वो भी ऑन ड्यूटी। क्या इस बात की इजाजत है? और ड्राइवर साहब को जगा रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं, उसके बाद भी इनके कान पर जूना रेंगी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि वहां पर फास्टैग स्कैनर काम ही नहीं कर रहा था और ना ही कोई और कर्मी वहां पर आया ताकि ड्राइवर टोल टैक्स कटवा कर वहां से निकल सके। वाकई में बड़ी विचित्र घटना है। पलटी हुई बस को एक और बस ने मारी टक्कर। कहां की यह घटना है बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमें कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के चैट सेक्शन में जाकर आप हमें वीडियो सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। नया साल मनाकर लौट रहे सैलानियों से भरी बस पलटी, हुआ भयानक हादसा। एक जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 6 बजे मनाली से पर्यटकों को लेकर अमृतसर के लिए निकली पंजाब नंबर की बस गरा मोड़ा के पास अनियंत्रित हो गई। ढाक से टकराने के बाद बस सड़क पर पलट गई। राहत की बात रही कि बस में मौजूद पर्यटकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। इसी दौरान मनाली से दिल्ली की तरफ जा रही एक अन्य टूरिस्ट बस तेज रफ्तार से वहां पर आई। इस बस का चालक सड़क पर पलटी बस और इधर उधर खड़ी उसकी सवारियों को दूर से शायद देख नहीं सका और आनन फानन में दिल्ली वाली बस के चालक ने पलटी हुई बस को टक्कर मार दी, जिस वजह से सड़क किनारे खड़ी पर्यटक युवती की इसकी चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र में अमरावती की जिला मोटर मालिक वाहक एसोसिएशन के द्वारा डाला बंद करवाने के लिए सख्ती दिखाते हुए चेकिंग करते हुए सभी ड्राइवर्स को बोला गया कि अगर बिल्टी पर जिसका माल उसका हमाल ना लिखवा कर आए तो 5,000 रुपए जुर्माना डालकर गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी जाएगी। हमें लगता है ऐसी ही मुहिम की पूरे देश में जरूरत है,
ताकि जागरूकता भी फैले और जो डाला मांगते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। बंगाल में चल रही है ठगी, ठगी ही नहीं चोर बाजारी, ये ड्राइवर का आरोप है। जी हाँ, संगरूर के रहने वाले हैं ड्राइवर हरजीत सिंह, जिन्होंने बताया कि बंगाल के बारानगर स्थित जूट मिल कंपनी में माल लोड करने गए थे। यहाँ पर 3 बार गाड़ी में माल लोड किया गया, उसके बाद 3 ही बार उतरवाया गया। जी हाँ, जिसका कारण ड्राइवर ने ये बताया कि इंस्पेक्टर के सामने तो अच्छा अच्छा माल रख देते थे, लेकिन इंस्पेक्टर के जाने के बाद माल उतार कर उसमें घटिया क्वालिटी का माल डाल देते थे। ड्राइवर को हरियाणा के फतेहाबाद अनलोड करने जाना था। सोचिए, पहले तो लोड करने गए वहां इतनी परेशानी उठानी पड़ी, तो अनलोडिंग जहां करने गए हैं वहां पर कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी उन्हें। अब्दुल्ला है मेवात हरियाणा से, जिन्होंने वीडियो बनाकर भेजा ढोल बज्जा बिहार का। यहां पर 31 दिसंबर को रात को खाना खाने के लिए रुके थे, जिसके बाद गाड़ी को वहीं पर रोक दिया और होटल वाले ने खुद गाड़ी को जिम्मेदारी के साथ वहीं पर पार्क करवाया था। रोड साइड गाड़ी खड़ी थी, ऐसा बताया ड्राइवर ने। लेकिन सुबह उठकर जब देखा तो गाड़ी में से डीजल चोरी हो चुका था। ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया, कैमरा चेक किया गया तो गाड़ी कैमरा की पहुंच से दूर थी, जिस वजह से चोर का पता नहीं चल सका। लेकिन चोरी से हुए नुकसान की किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। ड्राइवर ने पार्किंग के पैसे भी दिए थे होटल वालों को, फिर भी उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। सोनू है जम्मू कश्मीर से, जो 29 दिसंबर को अंबाला से श्रीनगर के लिए कुरियर का माल लोड करके जा रहे थे। इस दौरान किशनपुर मनवाल जम्मू कश्मीर में ही पुलिस कर्मियों के द्वारा रुकवाया गया और वहां पर एक पर्ची दी गई, जिसके ऊपर लिखा तो 45 रुपए हुआ था लेकिन लिए गए 50 रुपए, जिसकी वजह से वहां पर जाम भी लग रहा था। और ड्राइवर ने जब कहा कि जाम लग रहा है तो कर्मी ने बोला कि जाम को हम देख लेंगे, तुम पर्ची कटवाओ और निकलो। लेकिन जो पर्ची दी गई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था पुलिस पब्लिक मेला लक्की ड्रॉ कूपन, जिसके बारे में ड्राइवर्स को ना तो कुछ बताया गया और ना ही उसे कुछ पता चल पाया कि ये पर्ची किस वजह से काटी जा रही है और किसके आदेश पर काटी जा रही है। आखिर ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आया। ये वीडियो सावनी में पड़ते बाखरी की है। यहाँ पर रोड का रिपेयरिंग का काम चल रहा था, रोड कच्ची थी, लेकिन इसी दौरान मक्का से लोडेड गाड़ी यहां से गुजर रही थी। अचानक रोड की मिट्टी खिसक जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। ऐसे में गाड़ी और माल का नुकसान हुआ वो आप देख सकते हैं। ड्राइवर का कहना है कि पूरा एक दिन वहां पर खड़े रहे, गाड़ी पलटी रही लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया, ट्रांसपोर्टर ने भी कोई मदद नहीं भेजी। अगले दिन वहां पर क्रेन मंगवा कर माल साइड करवाया गया। तो जब भी जहां भी रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा हो, थोड़ा सावधानी बरतें और प्रशासन भी इस बात पर गौर करे कि वहां पर कोई बोर्ड या कोई सूचना पट लगाएं, ताकि ड्राइवर सचेत हो जाएं और ऐसे हादसे का सामना ना करना पड़े। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, लगता है पुराने गीत की इन्हीं पंक्तियों को सार्थक कर रहे हैं ड्राइवर भाई। जी हाँ, दर्जेश हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाया अमूला कला झांसी रोड मध्य प्रदेश का। यहाँ पर भूखे बंदरों को रोटियाँ डाली जा रही हैं उनके द्वारा। इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस रूट पर वो परमानेंट चलते हैं, वो भी कच्चा माल लेकर, तो हर दिन यहाँ पर रुककर बंदरों को कुछ ना कुछ खाने के लिए डालते हैं। वाकई में ये जिंदा दिली का उदाहरण है। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी, ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम।
इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।